अच्छी फिल्म तो बनती है उसको टाइम लगता है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। और क्योंकि ये फिल्म न्यू कमर की है, हीरो हीरोइन नहीं है। इस स्टेज ऑफ योर करियर ऐसा किरदार करने का, ऐसा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? मेरा एक पॉइंट है जो मैं बहुत क्लियरली मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ कि जनता को ये शायद नॉलेज नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा 7 करोड़ से ज़्यादा किलर हैं और इनकी पर्सनल लाइफ कितनी मुसीबतों से गुजरती है, उनको क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं इनके जन्म से लेके इनके जनाजे तक। किसी को मालूम नहीं कि जब किलर मरता है तो उसको जलाते हैं, दफनाते हैं या समुंदर में फेंकते हैं। किसी को ये मालूम नहीं जब किलर जन्म लेता है, चाहे करोड़पति घर में लेता है चाहे गरीब घर में लेता है, तो दूसरे किलरों को कैसे पता चलता है कि इस परिवार में एक किलर पैदा हुआ है। और जहाँ किलर पैदा होता है, दूसरे जो किलर होते हैं उसको उस परिवार से उठा के ले जाते हैं और अपने समाज में, अपनी दुनिया में लेके चले जाते हैं।
मेरा किरदार जो है, हीरो मेरा बेटा होता है। मेरा किरदार है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी बुरे काम किए जो उस वक्त मुझे लगा कि ठीक हो रहे हैं, फिर किस तरह उस तरह के एक आदमी अपने आप को ठीक करना चाहता है अपने बेटे की वजह से, क्योंकि बेटा उन कामों को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, उनको बिल्कुल गलत मानता है, किस तरह प्यार में, उनके प्यार में आके एक फादर को अपने वो रुख सारे चेंज करने पड़ते हैं जो उसकी नज़र में ख़राब हैं, जो इवेंचुअली बुरा काम बुरा ही होता है, हम सब जानते हैं। तो मेरा इस तरह फादर और एक सन का रिलेशनशिप है जो इस तरह चलता है, जिसमें काफ़ी नाराज़गियाँ भी आती हैं, बट इवेंचुअली बच्चों की बात सुननी पड़ती है जो अच्छी होती है। तो इस तरह का मेरा किरदार है, लेकिन इसमें सारी फिल्म का जो बुके बना है वो बहुत कमाल है, जिसमें जैसे शक्ति जी ने जो करेक्टर बताया, बहुत ही चैलेंजिंग, और आप देख भी सकते हैं गेटअप से कितने बिल्कुल लग रहे हैं कि उसी तरह का एक करेक्टर इनका आप देखेंगे पिक्चर में। किरदार के बारे में यही कहेंगे कि हर फिल्म में किरदार तो सेम ही होते हैं, कोई नया कुछ किरदार तो होता नहीं है, वही जो रियल लाइफ में से निकलते हैं जो किरदार वही हैं। मैं भी कुछ वही एक किरदार निभा रहा हूँ जो मोस्टली हर फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में वैसा किरदार बहुत लोगों ने निभाया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ अपना डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया दिखे, कुछ मैं अपनी एफर्ट्स डालूँ। बाकी फिल्में कहानियाँ तो वही होती हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट, सिनेमा इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बाकी डायरेक्टर पे डिपेंड करता है वो कैसे दिखाता है हर फिल्म, अपने एक्टर को कैसे प्रेजेंट करता है। तो रक्तधार की बात करें तो रक्त बहता हुआ दोनों के चेहरे पे, इधर से रक्तधार उधर से रक्तधार। जीतू थोड़ा कैमरा पीछे साइज क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है अभी? आप क्या है कि अभी मेरी जस्ट हीरो हीरोइन को हीरो बचाता है ऐसा कुछ? मैं रिवील तो नहीं करूंगा, लेकिन हां कुछ ऐसा ही है। अच्छा, काफी समय हो गया इस फिल्म को बनते हुए, रक्तधार को क्यों, क्या रीजन है? एक्चुअली हम इस फिल्म से अभी जुड़े हैं तो हमें पहले नहीं पता कब से बन रही है, क्योंकि लास्ट मंथ से हमने जो दोबारा रीशूट किया उन्होंने कुछ हमें सुनने में मिला है, तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है अब तक। वन गो में शूट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी हम क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं, अभी शूट फिनिश होने पे है, तो पीछे ही इनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ वो हमें जानकारी देंगे। क्या कहना चाहिए, कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? बहुत उम्मीद है, अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए उम्मीदें तो हैं, क्योंकि हमारे साथ, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी फिल्म में इतने ज़्यादा पिलर्स हैं, इतने ज़्यादा सीनियर्स एक्टर हैं, मुकेश जी हैं, शाहबाज भाई हैं, एहसान भाई हैं, शक्ति जी हैं, मनीष खन्ना जी हैं, तो सब एक्टर्स इतने अच्छे हैं जिनके साथ काम, मतलब ऑडियंस के लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, पिलर्स मेरे लिए, मेरी फिल्म है तो मुझे बेनिफिट है, इतने सीनियर्स एक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सीखने के लिए मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी निकल के आएगी, बाकी रिलीजिंग पे डिपेंड करता है किस तरह से ये हमारे प्रोड्यूसर रिलीज़ करते हैं फिल्म को, किस बैनर के साथ जुड़ती है फिल्म हमारी, तो वो बाद में क्या निकल के आता है। आखिरी सवाल, चलते चलते आज बाबा का जन्मदिन है, संजय संजू बाबा का। अरे हैप्पी बर्थडे संजू बाबा, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइटर लोग भागेंगे पीछे से, हाँ सुनो, हाँ अच्छा देखो, यहाँ के फाइटर यहाँ भागेंगे और यहाँ वाले यहाँ भागेंगे, तुम यहाँ कैमरे में कोई मत देखना, आप लोग जैसे पहले भागे थे नॉर्मल लोग यहाँ पे, लेकिन थोड़ा गाड़ी गाड़ी को देखो सब लोग,
इसलिए मैं बोलूंगा एक्शन दाढ़ी तोड़ी लोग गाड़ी देखा तो गाड़ी तोड़ के आई भाई डर लोग भागोगे गाड़ी तोड़ने के बाद देखा ये हीरो उतरा आपका बेटा है देखा वो और इसको देखा लोग ध्यान ओके वो बेटा आया पे लोग मत दे उधर मेरा ध्यान है कि इनों का ध्यान उधर वो ठीक हाँ नहीं गुजरी थे गुजरी हाँ उस गुजर थे क्या बात है मैं बोलूंगा कैमराज हाँ देखो देखो एक्शन है गाड़ी को भी देखो ये गाड़ी तोड़ के आई ये हीरो इतना भागो फाइटर टक 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 गाड़ी तो लाद का क्यों ले ऐसा लाद का हाँ, फिर मैं बोलता हूँ फाइटर्स किधर बोला है गाड़ी तोड़ के अंदर आई तुम लोग देखिए वन टू में निकल जाओ ओके देख सात कैमरास हाँ एक्शन अजान एक्शन दौड़ देखा इधर देखा ये आपका बेटा भा रहा है मुकेश जी शाबाश शाबाश कट चेक ठीक था नाइस ओके कौन सा नहीं वो उसके ठीक है आज बाद में मोमेंट से ओके 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 अपना जूम है ना हाँ रेडी शकील बोल रहा मेरे को कैमरा लग गया आइए पोजीशन प्लीज जिसका काम नहीं बाहर जाओ फाइटर्स नहीं है फाइटर्स नहीं यार हाथ दुख आउट फाइटर्स